नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 843। LIC ने यह पॉलिसी मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की है जिसकी आमदनी कम है। इस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। यह पॉलिसी स्टैंडर्ड लाइफ के लिए है। इस पॉलिसी को आप बिना किसी प्रकार के मेडिकल टेस्ट कराए ही ले सकते हैं। चूंकि यह पॉलिसी कम आमदनी वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इस पॉलिसी को आप 3 लाख से ज्यादा के सम इंश्योर्ड का नहीं ले सकते। हालांकि इस पॉलिसी को कोई भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 3 लाख का ही मिलेगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 75,000 रुपये है। मतलब 75,000 से लेकर 3 लाख के सम इंश्योर्ड तक की पॉलिसी ले सकते हैं। यदि आप कम सम इंश्योर्ड जैसे कि 1 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आप 1 से ज्यादा पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन आधार स्तंभ की सभी पॉलिसी को मिलाकर टोटल सम इंश्योर्ड 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप चाहें तो 1-1 लाख के सम इंश्योर्ड की 3 पॉलिसी ले सकते हैं। यहां आपको बता दूं कि यह पॉलिसी जब आई थी तो सिर्फ उन लोगों को ही दी जा सकती थी जिसके पास आधार कार्ड था, लेकिन आज के डेट में वो लोग भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इस पॉलिसी की अगली खास बात यह है कि मैच्योरिटी पर आपने जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ली है वो तो मिलेगी ही, साथ में आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। सिंपली समझ लें कि इसके साथ आपको बोनस भी मिलेगा। मतलब आपने जितने की पॉलिसी ली है उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। आप यहां ध्यान दें कि आप जितने ज्यादा लंबी अवधि की पॉलिसी लेंगे आपको उतना ही ज्यादा का बोनस मिलेगा। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष है और आप 3 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी 20 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ लेते हैं तो इसके लिए आपको महीने का सिर्फ 893 रुपये प्रीमियम देना है और आपको लगभग 4 से 4.25 लाख रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी, और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। यदि पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के अंदर यदि बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उनके परिवार को 3 लाख रुपये मिलेंगे, और यदि यह अनहोनी 5 वर्ष पूरे होने के बाद होती है तो परिवार को 3 लाख के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन अर्थात बोनस भी मिलेगा। आपको कितने सम इंश्योर्ड के लिए कितने प्रीमियम का भुगतान करना होगा यह मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। यह पॉलिसी सिर्फ मेल के लिए है अर्थात पुरुषों के लिए। यह पॉलिसी फीमेल के लिए उपलब्ध नहीं है। महिलाओं के लिए इसी प्रकार की एक अलग पॉलिसी है जिसका नाम है आधार शिला, जिसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। आधार स्तंभ पॉलिसी को लेने के लिए पुरुष की मिनिमम एज एट इंट्री है वह है 8 ईयर्स, अर्थात जिस बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो चुकी है उसे यह पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम एज एट इंट्री है 55 वर्ष, अर्थात यह पॉलिसी 8 वर्ष के बच्चे से लेकर 55 वर्ष आयु तक के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इस पॉलिसी को आप कम से कम 10 वर्ष के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए। यहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यह पॉलिसी कम से कम 15 वर्ष की जरूर लें। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 75,000 रुपये है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपये है। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर उपलब्ध है। इस राइडर को लेने का फायदा यह है कि यदि बीमा धारक के साथ अनहोनी एक्सीडेंटल होती है तो डबल सम इंश्योर्ड का भुगतान होता है, अर्थात यदि बीमा धारक ने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो नॉर्मल डेथ में 3 लाख का भुगतान होता है, लेकिन एक्सीडेंटल केस में 6 लाख का भुगतान होता है। इस राइडर को लेने के लिए बीमा धारक की मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस पॉलिसी में एक और जबरदस्त बेनिफिट है, वह है ऑटो कवर। यदि बीमा धारक ने 3 वर्ष से ज्यादा लेकिन 5 वर्ष से कम तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद
किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी अगले 6 महीने तक कवरेज कंटिन्यू रहती है। लेकिन यदि बीमा धारक ने 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो जिस समय से प्रीमियम का भुगतान बंद हुआ था वहां से अगले 2 साल तक के लिए कवरेज कंटिन्यू रहती है, अर्थात इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक कवर रहती है। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो कम से कम 3 वर्ष तक प्रीमियम के भुगतान करने के बाद मिलती है। बीमा धारक ने जितना प्रीमियम पे किया है उसका 90% तक लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कितने सम इंश्योर्ड पर कितने रुपए मासिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि आपका एज या सम इंश्योर्ड इस टेबल में नहीं है तो आप इस टेबल की मदद से अपने सम इंश्योर्ड और प्रीमियम का अंदाजा लगा सकते हैं। और यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, आप कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहते हैं वह और कितने पीरियड की पॉलिसी लेना चाहते हैं ये 3 जानकारी मुझे बता दें। अर्थात कमेंट बॉक्स में आप अपनी एज, सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड लिखें, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगा। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, यह थी LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी की जानकारी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आधारशिला पॉलिसी के बारे में जो कि खास रूप से कम आमदनी वाली महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बिना लाइक किए हुए नहीं जाइएगा। आपको यह पॉलिसी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।